सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को बता दूं कि बीटीयूपी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सभी ब्रांचों का जो सिलेबस है वो फिलहाल के लिए बदल दिया गया है। जैसा कि पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दे चुका था कि सिलेबस बदलने वाला है, जो कि 15 अगस्त तक बदलने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश सचिव वगैरह के चेंज होने से सिलेबस में बदलाव की जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई और फाइनली नया सिलेबस आप लोगों का आ गया है। तो चलिए फिलहाल नोटिस को भी मैं आप सभी के साथ पेश कर देता हूं, नोटिस भी आप लोग देख लीजिए। प्रेषक सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये नोटिस जारी हो गई है और नोटिस में ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपका जो सिलेबस है वो AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के आधार पे हो गया है। जैसा कि बीटेक वगैरह में आप सभी का सिलेबस होता है, यानी AKTU का जो सिलेबस है कुछ उस तरीके का सिलेबस यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए पूरी तरीके से लागू कर दिया है। अब वो सिलेबस कैसे आप सभी देख पाओगे, देखिए सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं वो कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में चेंज मैं फर्स्ट ईयर की बता दूं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बदला हुआ है। बाकी फिजिक्स में मैंने देखा ऑलमोस्ट सेम है, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट एक चैप्टर मटेरियल्स का जोड़ दिया है, ठीक है, और मैथमेटिक्स में पूरी तरीके से बदलाव हुआ है। बाकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कम्युनिकेशन स्किल में भी चेंज हुआ है। तो उसका डिटेल सिलेबस मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप लोगों को, मैं डिटेल सिलेबस टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। और वर्कशॉप में भी चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत, बाकी उसमें ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं देखने को मिला। और सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी बदलाव आया है, मतलब सबका एक तरीके से कॉमन कर दिया गया है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको सिलेबस थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं आपको सिलेबस सेंड कर दे रहा हूँ और आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, सिलेबस टेलीग्राम पर आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।